सातवें नंबर की इस वीडियो क्लिप में एक महिला नजर आ रही होती है जो कि काफी आराम के साथ अपने बेडरूम में सोते हुए दिखाई दे रही थी। इस फुटेज को सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया था जिसमें यह दृश्य नजर आ रहा था। अब इस वीडियो फुटेज में ऐसा क्या स्ट्रेंज सीन कैप्चर हुआ है जो कि इस वीडियो को डरावनी बना रही होती है। उस महिला के बिल्कुल साइड में एक टेडी बियर नजर आ रहा था जो कि पहले तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहा था, पर फिर तभी कुछ समय के बाद वे टेडी बियर अपने ही आप पैरानॉर्मल तरीके से मूव करना शुरू कर देता है जो कि इस फुटेज को काफी ज्यादा स्ट्रेंज बना रहा था। अब आइए इस वीडियो क्लिप पर एक नजर डाला जाए। नंबर 6 की इस वीडियो क्लिप को एक टिकटॉक यूजर ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर फीचर किया था। वीडियो में वे शख्स नजर आ रहे होते हैं जिसने पिछले कई दिनों से अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटियों को देखा था। इस क्लिप में भी वे शख्स अपने घर के किचन रूम में नजर आ रहे होते हैं कि तभी अचानक उस युवक को काफी ज्यादा खौफनाक सा एक दृश्य उस रूम में नजर आता है जिसे देख वे युवक बेहद डर जाते हैं। तो अब चलिए इस क्लिप पर एक नजर डाला जाए। अब इस क्लिप का ओरिजिनल सोर्स तो हमें नहीं मिल पाया है, पर इस क्लिप को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस वीडियो क्लिप को एक घर में रिकॉर्ड किया गया हो जहां कोई बेहद खौफनाक सी प्रेत आत्मा रह रही थी। अब इस बात का आखिर पक्का सबूत क्या हो सकता है ये तो आप लोगों को इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो अब चलिए इस वीडियो क्लिप को देखा जाए। We'll be right back.
नंबर 4 की ये वीडियो शुरुआत से ही काफी ज्यादा अजीब नजर आ रही थी। इस क्लिप के शुरुआत में बेहद डरावनी से आवाज हमें सुनने को मिलती है, जो कि किसी महिला की रोने की आवाज लग रही थी। पर अब हैरान करने वाली ये बात होती है कि जिस महिला की रोने की आवाज आ रही थी, वे महिला इस वीडियो क्लिप में नजर ही नहीं आती है कि तभी अचानक इस बीच वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला वे शख्स अपने कैमरा को थोड़ा साइड में करता है और इसी दौरान एक अनजान सी परछाई इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है, जो कि शायद वही प्रेत आत्मा थी जिसकी आवाज वीडियो के शुरुआत में हमें सुनाई दे रही थी। अब आप लोग इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। नंबर 3 की वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग में एक महिला नजर आ रही होती है, जो कि अपने घर के कुछ निजी काम को करते हुए दिखाई दे रही थी। पर फिर अनजान तरीके से शुरू होने वाली स्ट्रेंज असाधारण गतिविधियों से वे महिला इतनी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वे महिला ये दावा करने लगती है कि इन सब गतिविधियों के पीछे शायद कोई प्रेत आत्मा हो सकती है। अब आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखिए। I want to check and make sure that this washer is like working correctly because Jorge fixed it. So I use the cheap kind. I think that it works just fine. Just fine. Okay, that was weird. Okay, let me put this soap in, because... Okay. What the fuck? What the fuck? Dude, okay, you guys, I'm gonna stop recording, because this is freaking me out a little bit, and I'm about to go in the other room. नंबर 2 की इस फुटेज को एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था। वीडियो के स्टार्टिंग के दौरान एक गोस्ट हंटर दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि एक मिस्टीरियस जगह का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जो कि कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी। अब जिस जगह पर कोई आता जाता भी नहीं था, उस जगह पर ये गोस्ट हंटर आकर उस जगह की छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि तभी अचानक छानबीन करने के दौरान उस युवक को बेहद डरावनी सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उस युवक को ये कह रही थी कि यहाँ से जल्द निकल जाओ। इन सब चीजों के बावजूद भी वे गोस्ट हंटर लगातार उस मकान को एक्सप्लोर करते जा रहे थे कि तभी अचानक इस बीच उस युवक को एक रहस्यमय परछाई भी नजर आती है, जिसे वे युवक क्लियरली अपने कैमरा में कैद भी कर लेते हैं। अब वे रहस्यमय परछाई क्या वाकई में किसी प्रेत आत्मा की थी? तब आइए इस वीडियो क्लिप को देखा जाए। Can you make a noise for me? Let me know where you are. Let me know where you are. Do you want to see what I'm seeing right now? This is with night vision on. That's what I see right now. All right, I'm gonna head back.
नंबर वन की इस डरावनी फुटेज को शेयर किया था एक जापानीज यूट्यूबर ने जो कि पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वे शख्स इस वीडियो क्लिप के शुरुआत में एक अबैंडन्ड पैरानॉर्मल जगह पर एक्सप्लोरेशन करते हुए नजर आ रहे होते हैं, जहां उस युवक को एक्सप्लोरेशन करने के दौरान एक महिला की स्पिरिट भी नजर आती है जो कि ये पूरी तरीके से दावा कर रही थी कि ये मकान वाकई में कितना ज्यादा हॉन्टेड था। अब उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने किस प्रेत आत्मा की छवि को देखा था, आइए नंबर एक की इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं। ありがとうございました。では帰ります。さようなら。नंबर जीरो की इस फुटेज में कुछ दोस्तों का समूह नजर आ रहा होता है जो कि किसी पब्लिक पार्क में जाकर वहां पर घूमते हुए नजर आते हैं। सारे दोस्त मिलकर उस पब्लिक पार्क में जाते हुए वहां पर मौजूद मजेदार राइड्स को एंजॉय करते हुए इस क्लिप में नजर आते हैं, पर इस ग्रुप में से एक शख्स ऐसा था जो कि काफी ज्यादा डरते हुए इस क्लिप में नजर आता है। वे खुद को काफी ज्यादा अनसेफ फील कर रहा होता है। अब उस व्यक्ति के मन में ऐसे क्या विचार आ रहे होते हैं जिसके कारण से वे खुद को फील कर रहा था, आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं आज के इस एक्सट्रीम लेवल हॉरर वीडियो क्लिप को देखकर। Hey, what's wrong with you? Hey, you okay? Just now, I saw... Mariam! Hey! Ah! Hey, apa tu? Bibi tengok ni, tengok ni, Bibi. Apa ni? Hey, Bibi, Bibi, Bibi! Hey! Hey, wait for me, wait for me! Hey! Ah! Apa siap tu? Hey, what's wrong with you? Hey, you okay? Just now, I saw... Mariam! Hey! ऐसी और भी डरावनी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल हॉरर पेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं जिससे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से पा सकते हैं। मैं मिलता हूं आप सभी से इसकी नेक्स्ट और भी ज्यादा डरावनी वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को और भी ज्यादा डरावनी वीडियोस का आनंद लेना है तो स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पे क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड Bye.